26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ था, तब उसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में भारत के सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति के कई चित्र बने हुए थे। उसमें भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान नटराज और हनुमान जी और रामायण महाभारत के प्रसंगों के चित्र बने हुए थे। तीर्थांकर महावीर, महात्मा बुद्ध, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस के चित्र भी कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए थे। संविधान सिर्फ एक किताब से लिखी हुई, एक अक्षरों से लिखी हुई किताब नहीं है, वो एक जीवंत प्रेरणा का स्रोत है जिसके अंदर एक मूल्य होते हैं। इसीलिए जब यह संविधान बना तो यह विचार किया गया केवल लिखे हुए शब्दों से नहीं, इसके अंदर कुछ प्रेरणा के स्रोतों की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, तो उसमें कई चित्र डाले गए। अगर आप देखें अधिकारों का वर्णन है, उसके ऊपर चित्र किसका बना है, उसके ऊपर चित्र बना हुआ है भगवान राम का। अगर आज हम ये बात कहें, ये चित्र मैं दिखाना चाहता हूं संविधान की मूल प्रति में, आज भगवान राम का विषय अगर किसी सरकारी पुस्तक के ऊपर भी आ जाए तो मेरे विचार से बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाएगा। परंतु संविधान निर्माताओं के विचार में सारे अधिकार मर्यादा की सीमा के अनुसार हैं, शायद इसीलिए उन्होंने उस पृष्ठ के ऊपर भगवान राम के उस चित्र को रखा। और आपने यह भी देखा कि भगवान राम का विषय, राम जन्मभूमि का विषय भी सभी मर्यादाओं और व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम का विषय पूरी मर्यादा के साथ अपने मुकाम तक पहुंचा। परंतु एक बात मेरे मन में आई इसे देखकर कि इस मुकदमे में एक पैरोकार स्वयं श्री रामलला विराजमान थे, और श्री रामलला विराजमान 70 साल तक कोर्ट में रहे और उनसे मांगे गए कागज दिखाओ भाई जन्मभूमि के, पूरे कागज दिखाइए, 500 साल पुराने भी सबूत के आधार पर ही होगा। और सभापति महोदय, कागज सिर्फ हिंदी और संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, फारसी में भी दिखाने पड़े जो फारसी के कागज थे। और यह प्रमाण है, हमारे विरोधी पक्ष में तो कपिल सिब्बल जी उस विषय में रहे, उन्होंने वो फारसी के कागज देखे होंगे, कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उन्होंने दिखाया। और जो लोग काफी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर कहते थे कागज और सबूत के आधार पे ही रामलला जहां विराजमान है वह तय होगा, किसी यकीन पे नहीं तय होगा, वो आज कहते हैं हम जहां विराजमान है वहां मान लो, कागज दिखाने की जरूरत नहीं। इसे देखकर तो मुझे सभापति जी ऐसा लगता है कि शायद रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे बाकी कोई ना दिखाएगा। इन सभी चित्रों को चित्रकार नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी रायजादा ने बनाया था, पर बाद में जो संविधान की कॉपीज प्रिंट की जाने लगी उनसे यह चित्र हटा दिए गए। अब सवाल यह है कि इसके पीछे कारण क्या था। तमाम स्कॉलर्स मानते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी की साजिश थी। नेहरू जी भारत को एक कम्युनिस्ट देश बनाना चाहते थे, इसके लिए भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपनी संस्कृति और धर्म से दूर करना जरूरी था, इसलिए साजिश रची गई। पाकिस्तान समर्थक वर्ग को खुश करने का षड्यंत्र था ये, इसलिए भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक कट्टर मौलाना को बनाया गया। एक और बात, भारत के मूल संविधान में सेकुलर शब्द नहीं लिखा था। संविधान बनाते समय संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस हुई थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने से साफ मना कर दिया था।
उनका मानना था कि सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता भारत की आत्मा है, हमेशा से भारत सेकुलर ही रहा है। उनकी बात बिल्कुल सही है। भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि भारत की बहुसंख्यक जनता हिंदू है, जो प्रकृति से सेकुलर और शांति प्रिय होती है। लेकिन संविधान के बनने के 26 साल बाद 1976 में इमरजेंसी की तानाशाही के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन करके सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाल दिया, यह जबरदस्ती किया गया। तानाशाही के दौरान सारे विपक्षी नेता जेल में बंद थे और समाचार पत्रों पर सख्त नियंत्रण था। इस काम के पीछे कांग्रेस पार्टी की माइनॉरिटी अपीजमेंट की खतरनाक पॉलिसी थी। याद रहे कि भारत दुनिया का इकलौता सच्चा सेकुलर देश है। यहां संवैधानिक पद पर बैठे सभी नेता, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, वो सभी संविधान के नाम पर ही पद की शपथ लेते हैं। जबकि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश क्रिश्चियन मजहब की किताब बाइबल पर हाथ रखकर या उसके नाम पर शपथ लेते हैं। देखें, रही बात दुनिया के इस्लामी देशों की, तो इनका सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी से कोई लेना देना ही नहीं है। इनकी मजहबी किताबों के हिसाब से माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। उनकी कोई औकात नहीं है, उनको बराबरी का कोई अधिकार ही नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब में यह बात क्लियरली लिखी हुई है। वर्तमान सरकार को फिर से संविधान में संशोधन करके सेकुलर शब्द को हटा देना चाहिए। यह बाबा साहेब अंबेडकर की इच्छा का सम्मान होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी घंटे का निशान प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो तत्काल देखने को मिले। नमस्कार।